का जो इंटर गेट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के ऊपर तो डिजाइन है, पूरा बिल्डिंग के ऊपर तो डिजाइन देखने मिली थी। जब फूल नजर आएगी ये सब मोगल ईरानी आर्ट, जब छोटे छोटे चंपा लैम पंची धीमे नजर आते हैं, ये हिंदू बंगाली आर्ट। बिल्डिंग के लिए एक ही गेट है जो ब्रास का है, बैक साइड में वुड है, 356 साल पुराना वो दरवाजा है, अंदर जो ओरिजिनल पेंटिंग है, जो फूल पत्ती है इसे हेल कहते हैं, उसके झाड़ पत्ती की जड़ी बूटी की 356 साल पुरानी है। बिल्डिंग अभी 356 साल कम्प्लीट हो चुके हैं। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है ये पीओपी का है, अंदर लाल और काला पत्थर है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस की सिर्फ कोटिंग है। अंदर स्टोन है, यह अभी का किया मेंटेनेंस, लेकिन वो निकल गया है, अंदर स्टोन है, स्टोन के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस का कोटिंग है। इसके बारे में टोटल मालूम देता हूँ। अंदर जाके एक समाधि कबर है, एक ही दरवाजा ओपन है, वहाँ से समाधि देख सकती है। समाधि देखने का काम आप लोग करेंगे शांति से, इसे कहते हैं बीबी का मकबरा। ये औरंगजेब की पत्नी है, लेकिन बेटे ने बनाए माँ के याद में। ये औरंगजेब के लड़के ने बनाए उसकी माँ के याद में। माँ का नाम रबिया-ud-दौरानी, बेटे का नाम आजम शाह, आजम शाह औरंगजेब का बेटा। ये ताज की कॉपी है, ताज बड़ा ये छोटा, ताज षटकोण में ये चौकोण में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण कौन से साइड से देखो सेम दिखेगा। ताज की जो ऊंचाई है 210 फीट, यहाँ का हाइट 135 फीट, इसलिए से साउथ का मिनी ताज कहते हैं। ये जो बिल्डिंग है 1661 में बनी, जिस समय खर्चा आया 6,63,203 रुपये 7 आना, अग्रे का ताज का खर्चा उस जमाने में 44 लाख। यह अग्रे के ताज माँ की सेम कॉपी सेम प्रतिकृति, लेकिन ताज पूरा मार्बल में, यह 20% मार्बल 80% प्लास्टर, जो डोमा टॉप का मार्बल, नीचे का बेस मार्बल, बीच में जो पोर्शन है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस ऐसा बनाया गया है जो समुद्र में शांग कावड़ी शंपी उसे ग्रहण करके पीस के सिर्फ कवर है, अंदर लाल और काला पत्थर है। अंदर का पूरा टोटल एरिया 34 एकड़ 32 बगीचे, ये जो पूरा काम 10 साल में कंप्लीट किया, और इसे दो इंजीनियर ने काम किया जिसका नाम हंसपत राय और एक अतुल्ला, एक बंगाली एक ईरानी। जैसा ताज कंप्लीट हुआ ताप इंजीनियर के हाथ काटे गए, हाथ वगैरह काटे नहीं है। आजू बाजू में 4 मीनार टावर खड़े, ये मुगल का प्रतीक है। 30-35 साल पहले ये ओपन थे, 2 लेडीज ने आत्महत्या किया इसलिए बंद कर चुके हैं। ताज में इसमें काफी बड़ा फर्क है। ताज के पीछे जमुना रिवर से यह पूरा पहाड़ी है। ताज में फ्रंट साइड में कुरान लिखा हुआ है, यह कुरान नहीं है। ताज का जो सेंटर डोम वह मीनार से ऊंचा है, यह मीनार ऊंचा है सेंटर डोम नीचे। ताज में ऊपर मस्जिद नहीं, दहाज में एक मस्जिद बताई गई। ताज में ओपन गार्डन है, एक दीवार बताई गई। ताज का जो मार्बल है इटाली मकराना प्योर क्वालिटी, ये जयपुर राजस्थान ताज एक ही आर्किटेक्ट ने बना है, जिसका हाथ काटे गए उसका नाम उस्ताद ईसा का। यह 2 आर्किटेक्ट लगे। ताज में एक दिन में 22,000 लोग 22 साल तक काम करते थे, यह 10,000 10 साल तक। ताज में 2 समाधि ऊपर एक नीचे, एक के समाधि जो औरंगजेब की पत्नी, औरंगजेब के खुद के समाधि खुलताबाद में, जो 14.75 रुपये वो समाधि का खर्चा। इतना बड़ा बादशाह होकर वो टोपी सीखता था, कुरान लिखता था,
वो सेल करता था, जितना पैसा कलेक्शन हुआ उतना उसके कबर है। और मात का पलड़ा खड़की, आज औरंगाबाद सिटी में आप घूमेंगे ऐसे 52 गेट है, दूसरा नाम फतेह नगर, तीसरा नाम औरंगजेब से औरंगाबाद हुआ। और ताज जो बना है वो शाहजहां ने मुमताज के लिए, वो औरत का प्यार, लेकिन बेटे ने अपनी माँ के हाथ में बना है, ये माँ का प्यार। माँ का नाम रबिया-ud-दौरानी, बेटे का नाम अजम शाह, वह एक रबिया-ud-दौरानी की समाधि है जो से आप देख सकते हैं।